अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। कम्युनिकेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका और क्लाइंट का रिलेशन जो है वो आपने किस तरह से बिल्ड करना है और किस तरह का रिलेशन बिल्ड करना है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। अब एक क्लाइंट आपको एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिला है, चाहे वो अपवर्क है, फाइवर है, कहीं पर भी मिला है। अब आप वहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन के बाद आपने पहला प्रोजेक्ट उसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्प्लीट कर लिया। अब उसके बाद क्या? उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लोज हुआ, क्लाइंट अपने घर चला गया, आप अपने घर आ गए और आपने पैसे वन टाइम कमाए। बट इसको रिकरिंग किस तरह से लेके चलना है? अब आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट से उसका कोई भी पर्सनल सोशल मीडिया ले सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, कुछ भी है। अब आप कहोगे कि फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ये अलाउड ही नहीं है कि आप पर्सनल नंबर या जो है वो कोई सोशल मीडिया ले। अब ऑब्वियसली बात है, वो वेबसाइट या कोई भी काम करवा रहा है उसके लिए आपको सोशल मीडिया हैंडल्स दे रहा है ना काम में यूज़ करने के लिए, आप उसको ऐड कर लो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी उसका सोशल हैंडल है। इसके अलावा जो व्हाट्सएप है, अगर आप उसके पास से कॉल पे डिस्कशन कर रहे हो अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर, तो वहाँ पे आप ओरली क्या कर सकते हो, क्लाइंट से कह सकते हो कि आप मुझे अपना नंबर दे दें व्हाट्सएप, ताकि हम क्विक कम्युनिकेशन कर सकें अगर आपको कभी भी फ्यूचर के अंदर ज़रूरत पड़ी मेरी या हेल्प की ज़रूरत है। इससे क्या हुआ, आप प्रोफेशनली हट के सोशली भी कनेक्ट हो गए। अब फ्यूचर के अंदर जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी उस स्पेसिफिक टास्क के रेलिवेंट, तो वो कभी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ रहा है दोबारा से हर जॉब के ऊपर। आप उसके लिए ट्रस्टेड हो, आपने उसका एक काम करके दिया, अच्छा करके दिया, ऑब्वियसली बात है वो आपको पर्सनली भी जानता है, आपके स्टेटस देखता है, स्टोरीज देखता है, तो ये सारी चीज़ें देखता है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ सोशली भी कनेक्ट है। फ्यूचर के अंदर कोई भी इशू से आ रहा है, कोई नई वेबसाइट उसे डिज़ाइन करवानी है या कोई नया काम आपसे करवाना है, सोशल मीडिया हैंडल करवाना है, ग्राफिक का काम करवाना है, डिजिटल मार्केटिंग करवाना है, कुछ भी, तो वो सबसे पहले आपको मैसेज करेगा, हे आर यू अवेलेबल। ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, इसी वजह से मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना काफ़ी बंद कर दिया है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स अपने व्हाट्सएप के ऊपर डील करता हूँ। तो अभी सेकंड चीज़ ये है कि जब क्लाइंट जो है, क्लाइंट का अगर किसी फ्रेंड या फैमिली के अंदर से किसी को कोई सर्विस चाहिए होगी तो वो आपको ही रिकमेंड करेगा। अब मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट आते हैं जो कि कोई ना कोई क्लाइंट मेरा रिकमेंड कर देता है, $500, $1000 वो मुझे पे करके चले जाते हैं, विच इज़ गुड कि मुझे कोई बिड नहीं करनी पड़ रही, मुझे यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा और मेरे क्लाइंट्स जो हैं लॉन्ग टर्म मेरे साथ ही अवेलेबल हैं। फ्यूचर के अंदर उन्हें जो भी सर्विस चाहिए होगी, जो भी काम चाहिए होगा, वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके वो नया बंदा ढूंढे। पहले वो मेरे से पूछेंगे कि आप ये कर लोगे, मैं कहूँगा ओके, देन आई कैन डू इट। तो इससे आपके जो लॉन्ग टर्म चांसेस हैं अर्निंग के, वो बढ़ जाते हैं और आप क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्ट हो जाते हैं। आपको बार बार क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको किसी मंथ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स ना भी मिले, वर्क ना भी मिले, तो वो जो आपके रिकरिंग क्लाइंट्स हैं, जो आपके व्हाट्सएप के ऊपर एडिड हैं, उनमें से कोई ना कोई आपको इतना काम दे देता है कि वो आपका मंथ एक बहुत ज़्यादा स्मूथ चला जाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट के साथ एक प्रोफेशनली हट के पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप या सोशली रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हाफिज़।